वो मोबाइल है, बॉल नहीं है। पता है तो पता है तो बॉल की तरह से उछल क्यों रहा है? हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा। एक मिनट है सेठ जी। ये क्या किया? चेकिंग। ए होशियारी, अभी इधर क्या हुआ? सॉरी सॉरी सेठ जी। सेठ जी आप क्या सोच रहे हैं? यही कि अभी तुम दोनों कोई काम के नहीं रहे, इसलिए मैंने यह तय किया है कि अभी मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूं। सेठ जी प्लीज डोंट डू दिस। बागा तो बच्चा है, उसे मत निकालिए। सच तो यह है सेठ जी कि टीवी अनजाने में नहीं गिरा था, मैंने जानबूझ के गिराया था ताकि आप नाराज होकर मुझे नौकरी से निकाल दो। आपने भी जानबूझ के टीवी तोड़ा? आपने भी आपने जानबूझ के टीवी तोड़ा? हाँ, बागा की नौकरी बचाने के लिए आपने जानबूझ के अपना 20,000 का नुकसान किया। प्यार के आगे पैसों का क्या मोल सेठ जी। अच्छा ठीक है, अभी मैं आप दोनों को बताता हूँ प्यार क्या होता है। जरा बागा को अंदर बुलाइए। अभी मैं आप दोनों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। शेर है या गजल? प्रेमालाप है, सुनिएगा, जरा तवज्जो दीजिएगा। मैं तो हूं ही बेवकूफ, अक्सर गलतियां करते रहता हूँ, पर मेरी गलती की वजह से तो नट्टू काका ने मुझे डांटा। मेरी गलती की सजा आप नट्टू काका को मत दीजिए प्लीज। आप मुझे भले ही नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन बागा को मत निकालिए। वो नादान है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, अगर आपने उसे निकाल दिया तो उसका बेचारे का क्या होगा? नट्टू काका मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, मुझसे गलती हो गई नट्टू काका, आई एम सॉरी। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मुझे तुझे बावरी के सामने नहीं डांटना चाहिए था, अब मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगा। ए नट्टू काका, अभी आप उसे नहीं डांटेंगे तो यह दुकान का काम ठीक से कैसे करेगा? फिर तो मुझे आपको डांटना पड़ेगा। What are you saying, सेठ जी? आप मुझे कैसे डांट सकते हैं? आपने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया है। नट्टू काका, ना मैंने आपको नौकरी से निकाला है, ना बागा को नौकरी से निकाला है। ये तो आप दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए, इसके लिए मैंने छोटा सा झूठ बोला ताकि आप दोनों को पता चले कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मतलब आप हमें नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं? अरे नहीं भाई नहीं, आप दोनों भले जैसे भी हो लेकिन आप दोनों के बगैर मेरा गुजारा हरगिज नहीं, हरगिज क्या, कतई नहीं हो सकता। अरे भाई हम सब एक परिवार जैसे हैं। और ये परिवार मेरी बेवकूफी की वजह से टूटने वाला था। बावरी जी आप? बागेश्वर जी आप यहाँ? बावरी जी आ गए, बावरी जी आ गए। अरे अरे अरे, फेर फुतरड़ी फरदाई ताड़ी बम चकेड़ी बम थई जासे तारी बावरी। ओ सॉरी 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 सेठ जी। बावरी जी आप यहाँ कैसे? स्कूटर पर। मतलब कैसे आना हुआ? बागेश्वर जी मैं आई तो आपसे मिलने ही थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मैं कितनी गलत थी। बावरी जी आप कहना क्या चाहते हैं? बागेश्वर जी मैं यहाँ आने से पहले गोडाउन गई थी, मुझे लगा आप वहाँ होंगे, लेकिन मगन भाई ने मुझे बताया कि आपका और नट्टू काका का झगड़ा हो गया है। जब मैं यहाँ आई तो आप लोगों का प्यार देख के पता चला कि इस झगड़े का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तुम? हाँ फेटालाल जी। अरे
भेटालाल नहीं भाई जेठालाल। सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। मेरे नाम के साथ ही क्यों गलती से मिस्टेक होती है तेरी? पता नहीं, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजिस्ट? दिमाग की डॉक्टर। बावरी, दैट इज न्यूरोलॉजिस्ट नॉट न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके। अच्छा भाई अभी ये तो बता कि इन दोनों के झगड़े के जिम्मेदार तू कैसे है? मैं अपने होने वाले पति के प्यार में इतनी बह गई कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ये क्या बोल रही हो बावरी? यही सच है नट्टू काका, जब आपने बागेश्वर जी को डांट लगाई तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने पता नहीं आपके बारे में क्या कुछ नहीं कह दिया और इस वजह से आप दोनों का झगड़ा हो गया। मैंने आपका गुस्सा तो देखा लेकिन उसके पीछे बागेश्वर जी के लिए छुपा हुआ प्यार नहीं देखा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे नहीं नहीं बावरी बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो मेरी बेटी जैसी है। माना कि तेरा मन साफ था लेकिन मुझे भी ध्यान रखना चाहिए कि बागा अब बड़ा हो गया है। लेकिन नटू काका, आपके आगे तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तो छोटे, इस छोटे से झगड़े से कुछ सीखा क्या? नहीं सीखा ना। क्या सीखा? यही सीखा कि एक छोटी सी गलतफहमी कितने बड़े झगड़े का कारण बन सकती है और उसकी वजह से कितने अनमोल रिश्ते बिगड़ सकते हैं। भाई भाई के बीच में झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी के रिश्तों के बीच में दरार आ सकती है। हाँ, हम एक शब्द से सामने वाले के प्रति गलत धारणा कर बैठते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचो, उसके बाद ही बोलो, वरना क्या है हमारी कौन सी बात का सामने वाला क्या मतलब निकल के हमसे नाराज हो जाए पता ही नहीं चलता। एकदम सही कहा सेठ जी। और दूसरा क्या है बेटा, धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकला हुआ शब्द एक बार निकला तो निकला, कुछ भी करो वापस नहीं आ सकते। आपने बिल्कुल सही कहा सेठ जी, और इस बात के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। आपने और बावरी ने मेरी और भागा की आंखें खोल दी। हाँ भाई, लेकिन आप दोनों की आंखें खोलने में मेरा तो 30,000 का नुकसान हो गया ना। 30,000 का नुकसान? कैसे? ये बाघा ने 10,000 का मोबाइल तोड़ दिया और नट्टू काका ने 20,000 का टीवी तोड़ दिया। सेठ जी, यू आर वेरी इनोसेंट। मैंने जो टीवी गिराया था वो तो अंदर से पहले से ही टूटा हुआ था, जो हमें कंपनी में वापस भेजना था। हाई लॉर्ड, नट्टू काका सेम पेंट। सेठ जी, मैंने भी जो मोबाइल तोड़ा वो बेचने के लिए नहीं था, डिफेक्टिव पीस था, ऐसे भी फेंकना ही था। सच? अरे वाह वाह नट्टू काका, बागा वाह, आप दोनों जितना दिखते हो उतना ना समझ हो नहीं। आप भी है? जस्ट जोकिंग। नहीं बागा। चलो भाई चलो, अभी सारी गलतफहमी दूर हो गई ना, तो अभी फटाफट रामसंग कंपनी का स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट तैयार करो भाई, कल वो रामसंग कंपनी के आदमी आने वाले ना चेकिंग के लिए। बराबर है सेठ जी, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम दोनों अकाउंट्स और स्टॉक रिपोर्ट का काम खत्म करने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। हम दोनों नहीं बागेश्वर जी, हम तीनों। मैं भी आपकी मदद करूंगी। बावरे, करने दीजिए सेठ जी, एक से भले दो, दो से भले तीन। अरे लेकिन तीन में तीन तिकड़ा काम बिगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं सेठ जी, डोंट वरी, आई विल टेक केयर। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स वर्क। वाह बापू जी वाह, दोनों का झगड़ा खत्म करने की क्या तरकीब बताई आपने। अभी कोई टेंशन नहीं, रामसंग कंपनी का स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट दोनों रेडी हो जाएंगे।
फाइनली स्टॉक और अकाउंट का काम फिनिश हो गया। हाँ नटो काका, अभी सेठ जी दुकान में आएंगे, फाइल चेक करेंगे और एकदम खुश हो जाएंगे। हाँ, मगर सेठ जी अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए होंगे? अभी आते ही होंगे नटो काका। आ गए सेठ जी, आ गए। वेलकम वेलकम सेठ जी। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। बधाई? किस बात की बधाई दे रहे हैं आप लोग? सेठ जी, स्टॉक और अकाउंट का काम हो गया। हाँ, और हमने स्टॉक और अकाउंट रिपोर्ट दोनों टैली भी कर लिए, हमारी साइड से कोई गलती नहीं है। आश, ये रही दोनों फाइल सेठ जी, चेक कर लीजिए। नहीं, मुझे आप दोनों पे पूरा भरोसा है। शाबाश शाबाश नट्टू काका, शाबाश बगा, शाबाश। अभी आना था रामसंग कंपनी का आदमी को, उसके मुंह पे मारूंगा ये दोनों फाइल। 15 लाख नहीं मिले। एक्सक्यूज मी, मैं रामसंग कंपनी से आया हूँ अकाउंट्स और स्टॉक का इंस्पेक्शन करने। आइए आइए, हम आप ही की राह देख रहे थे। नहीं? अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आप क्या पियेंगे, क्या खाएंगे? आपके लिए क्या मंगाऊं, चाय, कॉफी, नाश्ता, फालूदा, आइसक्रीम, लस्सी, सैंडविच? अकाउंट्स और स्टॉक का रिपोर्ट रेडी नहीं है? नहीं नहीं, रेडी है। तो फिर इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो? ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है ना भाई साहब। मैं जहाँ इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ वहाँ ना कुछ खाता हूँ ना कुछ पीता हूँ, सिर्फ इंस्पेक्शन करता हूँ। ये तो बतेड़ा आदमी लग रहा है। कहाँ है अकाउंट्स और स्टॉक की फाइल? कहाँ है? हाँ, ये लीजिए, रेडी है। हाँ जी, एक मिनट, बाकी तो चेयर तो लेके आया, अभी लेके आया। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? ये स्टॉक और अकाउंट की रिपोर्ट्स बनाई किसने? कहीं नट्टू का कर भगाने का गड़बड़ तो नहीं किए? बताइए किसने बनाई है ये रिपोर्ट? ये हमारा नट्टू काका ने। नहीं नहीं, बागा ने बनाया। आपने बनाई है रिपोर्ट? जी। वेल डन मिस्टर बागा, वेल डन, बहुत बढ़िया काम किया है आपने। थैंक यू। मैंने ऐसा सिस्टमेटिक काम आज तक कोई डीलर के यहाँ नहीं देखा। ये कटाक्ष में बोल रहा है कि सच में तारीफ कर रहा है? मतलब आपको 15 लाख का हिसाब मिल गया ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, बागा जी की वजह से सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सब हिसाब मिल गया है और आपका पूरा अकाउंट क्लियर है। अच्छा। मैं तो रामसंग कंपनी को रेकमेंड करूंगा कि आपकी एजेंसी को 3 साल के लिए ना बढ़ाए, बल्कि 5 साल के लिए बढ़ा दी जाए। अरे अरे वाह, बागा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे हमने अच्छा बुरा जो भी कुछ सीखा है हमारे सेठ जी से सीखा है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन जेठालाल जी, आपके पास बहुत ही होनहार स्टाफ है। क्या है ना कि हमारी कंपनी के पास बहुत ही बेवकूफ स्टाफ है। हमारे स्टाफ की गलती की वजह से आपके पास इंस्पेक्शन का लेटर आ गया था, वरना इंस्पेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। वही तो। अरे आपकी कंपनी के लेटर ने हमारे सेठ जी की नींद उड़ा दी थी। आई एम रियली सॉरी, पर एक बात कहूं जेठा जी, जिसके पास ऐसे कर्मचारी हो उसके जीवन में कोई भी समस्या हो ही नहीं सकती। आपकी नजर में ऐसे और कर्मचारी हो तो प्लीज हमें बताइए, हम उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे देंगे। अरे क्या बताऊं आपको, आप किनकी तारीफ कर रहे हैं। चलिए तो मैं चलता हूं। ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, 5 साल के लिए एजेंसी बढ़ा दी। देखो तो हमने तो सोचा भी नहीं, 3 साल की जगह में 5 साल सीधा। वाह वाह वाह, मजा आ गया। वाह भगवान, थैंक यू।
मैं काम करता हूँ, मैं घर जाकर बापूजी को खुशखबरी सुना के आता हूँ। तब तक आप लोग जरा दुकान संभाल लेना, ठीक है? जी जी सेठ जी। दादाजी मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आ जाओ। अरे बेटा ऐसा फालतू मजा करके डरा मत है। और बेटा तू लड़ाई पे नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे है बाबूजी। हाँ और तू अपनी सेहत पे ध्यान दे। अरे बापूजी ये रामसंग कंपनी के टेंशन की वजह से 3 दिन से मैंने ठीक से खाया नहीं है, तो अभी तो थोड़ा पतला हो गया हूँ बापूजी मैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये तो मस्त जगह है। हाँ दादाजी बहुत मस्त जगह है। दादाजी मम्मी आएगी ना तो हम सब साथ में जाएंगे यहाँ पे। बापूजी बापूजी बापूजी। अरे जेठिया तू इस वक्त यहाँ? बापूजी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा क्या बापूजी? आप तो जानते ही है कि आपकी तरकीब की वजह से नट्टू काका और बाका का झगड़ा सुलझ गया। हाँ वो तूने बताया रात को। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ बापूजी? कल पूरी रात दोनों ने मेहनत करके और रामसंग कंपनी का स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट तैयार कर दिया। और वो रिपोर्ट आज रामसंग कंपनी का आदमी आया ना उसने देखा तो वो खुशम खुश हो गया बापूजी। तो उसने बोला कि मैं आपकी सिफारिश रामसंग कंपनी में करूंगा तो आपकी एजेंसी 3 साल की जगह पे 5 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। अरे वाह वाह जेठिया ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बापूजी हाँ। पापा ये तो कमाल हो गया। अरे एकदम एकदम बेटा। बापूजी इसलिए ले लीजिए, मैं मिठाई लेके आया हूँ, मुँह मीठा कीजिए बापूजी। ले 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 टपू ले टपू लीजिए। मैं लेता हूँ। आप ले लीजिए। मैं लेता हूँ। हाँ शाबाश। ये ले ले तू मुँह मीठा। ये लीजिए। नहीं नहीं मैं ले। कांग्रेचुलेशंस बापूजी। हाँ वाह दादाजी। जेठिया आज मंदिर जाना और भगवान को 1101 रुपए का प्रसाद चढ़ा दे। जरूर जरूर बापूजी जरूर। और बापूजी आप आशीर्वाद दीजिए कि आइंदा नट्टू काका और बागा का कभी झगड़ा ना हो और वो दोनों इसी तरह मन लगा के गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते रहे। हाँ जेठिया तू चिंता मत कर, कुछ कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जिनसे रिश्ते बिगड़ते नहीं है और मजबूत हो जाते हैं। नट्टू और बागा का झगड़ा उनके रिश्ते को और मजबूत कर देगा। वाह वाह बापूजी वाह क्या बात कही आपने। वाह वाह वाह। दादाजी मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आ जाओ। अरे बेटा ऐसा फालतू मजा करके डरा मत है। और बेटा तू लड़ाई पे नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे है बापूजी। हाँ और तू अपनी सेहत पे ध्यान दे। अरे बापूजी ये रामसंग कंपनी के टेंशन की वजह से 3 दिन से मैंने ठीक से खाया नहीं है, तो अभी तो थोड़ा पतला हो गया हूँ बापूजी मैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। झगड़ा करने से अगर दोस्ती और भी मजबूत होती है तो मैं अभी टपू सेना से झगड़ा करके आता हूँ। अरे बेटा रुक कहाँ जा रहा है? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। दादाजी मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आ जाओ। अरे बेटा ऐसा फालतू मजा करके डरा मत है। और बेटा तू लड़ाई पे नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे है बापूजी। हाँ और तू अपनी सेहत पे ध्यान दे। अरे बापूजी ये रामसंग कंपनी के टेंशन की वजह से 3 दिन से मैंने ठीक से खाया नहीं है, तो अभी तो थोड़ा पतला हो गया हूँ बापूजी मैं। अरे वही कह रहा हूँ जेठिया, ये टेंशन की वजह से 3 दिन से तूने ठीक से कुछ खाया नहीं है, इसलिए अब तू दुकान से आ ही गया है तो चल आज दोपहर का खाना हम तीनों साथ में बैठ के खाते हैं। जी जी बापूजी जी। जा हाथ मुंह धो ले। मैं प्लेट्स लगाता हूँ। हाँ तो बेटा ये जरा फ्रिज में रख दे। हाँ और अभी खाने में देना बापूजी को भी, बहुत अच्छी लगी मिठाई है ना बापूजी। हे ईश्वर कृपा करना कि नट्टू और बागा के बीच में कभी झगड़ा ना हो। दोस्तों जिंदगी एक जंग का मैदान है, नई नई चुनौतियों का सामना करना होता है और करना पड़ता भी। आप चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं चुनौतियों से मुंह मोड़ देते हैं, कुछ डट के मुकाबला करते हैं। मेरे परम मित्र को भी जिंदगी की इस जंग में चुनौती का सामना करना पड़ा, नट्टू काका और बागा के झगड़े के रूप में, लेकिन मुंह नहीं मोड़ा जेठालाल ने। उन्होंने चुनौती का डट कर सामना किया। जब कहते हैं आप कोई काम दिल से करना चाहे तो दुनिया भर से हजारों हाथ मदद के लिए उठते हैं, और यहाँ तो बापू जी है जेठालाल के लिए, उनकी मदद का हाथ सबसे सक्षम। उन्होंने आइडिया दिया कि इस झगड़े को कैसे सुलझाया जाए, नट्टू काका और बागा के दिलों में जो छुपा हुआ प्यार है जो थोड़ी देर के लिए दब गया था उसे कैसे जागृत किया जाए। और अंततः जेठालाल सफल हुए, उन्होंने उस आइडिया का इस्तेमाल किया, नट्टू काका और बागा के बीच का झगड़ा सुलझ गया, दोनों एक बार फिर से एक हो गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जेठालाल के रामसंग कंपनी का इंस्पेक्शन भी बेहद अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। लेकिन जेठालाल के दिल में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नट्टू काका और बागा फिर से एक हो गए। भाई जिंदगी में नाराजगी वही होगी ना जहां प्यार होगा, तो छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए और ऐसी बातों को कभी कभी भूल जाना चाहिए। अगर भूलेंगे
तो प्यार बढ़ेगा, और नहीं भूलेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन जिंदगी में झगड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, प्यार ही बढ़ना चाहिए। और अंत तक यहाँ नटू काका और भागा का ये जो झगड़ा था ये सुलझ गया, और इन दोनों के बीच का प्यार फिर से पनप गया, और यहाँ सब कुछ एक बार अच्छा हो गया। लेकिन ये गोकुलधाम सोसाइटी, यहाँ रंग बिरंगे अतरंगे किरदार रहते हैं और बहुत देर तक खुश नहीं रहते। कोई ना कोई मुसीबत आई जाती है, लेकिन मुसीबत आती भी है तो ठहा के लाती है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आने वाला कोई तूफान, अरे तू किधर देख के चल रहा है? मरना है क्या? मरना है क्या? क्या मरना है? ये सोसाइटी कंपाउंड है, सोसाइटी कंपाउंड में कोई इतना फास्ट गाड़ी चलाता है क्या? मुझे को हो जाता तो? अरे हो जाता तो तुम्हारी गलती की वजह से हो जाता। इतना बड़ा टेम्पो आ रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे तो तुमको सामने से इतना बड़ा इंसान आ रहा है वो दिखा नहीं क्या? अरे जब तुझे इतना बड़ा टेम्पो नहीं दिख रहा है तो मुझे इतना छोटा सा इंसान कैसे दिखेगा? अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।